था कि अभी एक साल तक शादी के लिए बाहर मत बताना जी। घर में ले आऊँ फिर मैं मेरा जो रियल मेरा जो शादी का मुद्दा है वो मैं डेफिनेटली आप सबके सामने आऊंगी। कल रात को भी साथ में थे, हम साथ में ही घर में रहते हैं, वो मेरे हस्बैंड हैं। जो मेरे हस्बैंड मेरा नाम रखेंगे उसमें मुझे खुशी है। मेरा निकाह हुआ है उनके साथ, आदिल खान दुरानी के साथ। दुरानी क्या वजह रही जो अचानक से आपको बतानाा पड़ गया सब सारी बातें? कोई वजह नहीं, मुझे नहीं पता है क्या वजह, मुझे नहीं पता है। वो ही जाने में तो बिग बॉस हाउस में थी और हाउस से बाहर आने के बाद, लेकिन जब आप बिग बॉस के घर में थी तब सब कुछ चीज़ें ठीक थी? सब कुछ चीज़ें ठीक थी, सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि अभी एक साल तक शादी के लिए बाहर मत बताना। 7 महीने हो गए मेरी शादी को, तो उन्होंने कहा कि एक साल तक मत बताना शादी के बारे में। राखी, नाम को लेके रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है, लोग बातें कर रहे हैं, फातिमा नाम पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपने नाम बदल लिया, धर्म बदल लिया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? नो कमेंट्स, इसके बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहती हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ है, जो मेरे हस्बैंड मेरा नाम रखेंगे उसमें मुझे खुशी है। मेरा निकाह हुआ है उनके साथ, आदिल खान दुरानी के साथ, और जो वो अपनी खुशी से नाम रखेंगे वो मैंने मुझे कबूल है। अगर राखी अगर तब भी उन्होंने, आप तो अपना प्यार दिखाई रही हैं, उन्होंने तब भी अगर रिश्ते को नहीं अपनाया तो आप क्या अब स्टेप लेंगे? आगे तो बहुत सारी कार्रवाई है। थैंक यू, थैंक यू राखी, थैंक यू राखी। मेरी माँ हॉस्पिटल में है, उसको मैं अभी मैं सिर्फ कॉफ़ी पीने और मैं ये पीने आई हूँ। मैंने मीडिया को नहीं बुलाया है, मीडिया खुद आई है पीछे। डेफिनेट आई रिस्पेक्ट मीडिया कि वो मेरी शादी के बारे में जनता जानना चाहती है, मैं बताऊँगी, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। मेरी माँ को कैंसर है और वो पहचान नहीं रही है मुझे, उसको सिर्फ एक बार घर में ले आऊँ फिर मैं मेरा जो रियल मेरा जो शादी का मुद्दा है वो मैं डेफिनेटली आप सबके सामने आऊँगी। आई स्वेयर मैं आऊँगी। बाकी लेकिन क्या वजह मानती हैं आदिल क्यों ऐसा करते हैं? कोई आप अगर हिंट देना चाहें दर्शकों को, क्योंकि जो आपके चाहने वाले हैं वो इतना परेशान हो गए इस बात को। मुझे पता है, मैं खुद परेशान हूँ भाई, जिसके से शादी हुई है, 7 महीने से साथ रह रहे हैं, मैं खुद परेशान हूँ कि क्यों डिनाई कर रहे हैं। मुझे खुद नहीं, मुझे पता होता तो मैं आपको बताती। अभी भी मैं उनसे ही मिलने जा रही हूँ जी, वो बोलते ही नहीं कुछ, मैं क्या करूँ बताइए। आप अगर साथ में रहते हैं आपने उनसे ये बात करने की कोशिश की? रात को भी साथ में थे, हम साथ में ही घर में रहते हैं, वो मेरे हस्बैंड हैं, अब वो क्यों इनकार कर रहे हैं मुझे नहीं पता है।